सुरसई के हृदय में बस एक ही स्वर था, एक ही लक्ष्य था, प्रतिशोध और देवताओं का विनाश। पिता की चिता ने उसके क्रोध की ज्वाला को और भड़का दिया था। फिर क्या हुआ पिताश्री? क्या असुर कुमारी सुरसई माया के उस चरम तक पहुंच सकी? हाँ पुत्र, असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे प्रशिक्षित किया और स्वयं सुरसई ने भी अथक प्रयत्न किए और फिर शीघ्र ही क्या मैं इतने समय से ध्यान में हूं कि रात्रि सब दोपहर हो गई है, प्यास लगी है, जल चाहिए। इसमें तो एक बूंद भी जल नहीं है, अब इस पर्वत पर कहां जल मिलेगा मुझे? ये झरने की आवाज, यहां इस नदी को पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। जल नहीं, इसमें तो मात्र कंकड़ पत्थर है। यह सब क्या हो रहा है? मृग और यहां सुरसई, गुरुदेव, गुरुदेव ये लीजिए जल। मेरी प्यास तो तुम्हारी सफलता से ही बुझ गई। तुमने श्रेष्ठतम आसुरी माया का रूप लेकर मुझे आनंदित कर दिया। ऐसी माया जिसे मैं भी नहीं पहचान सका। जल की धारा रात्रि का दिन बनना अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है ये। गुरुदेव, ये सब तो आपके प्रशिक्षण का ही परिणाम है। सुरसई, यदि मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें पहचानने में असमर्थ रहा तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं पहचान सकेगा। इसलिए इस मायावी कौशल की पराकाष्ठा को छूने के पुरस्कार स्वरूप तुम्हें नया नाम देता हूं मैं, आसुरी माया। आसुरी माया, आसुरी माया। गुरुवर, आसुरी माया की प्यास तो तब तक नहीं बुझेगी जब तक वो अपने प्रतिशोध की अग्नि को शांत नहीं कर लेती। मुझे आपके अगले आदेश की प्रतीक्षा है। अब तुम्हें उस असुरी वंश को जन्म देना है, ऐसी संतान के लिए तैयार हो जिसके स्वरूप के आगे सभी पद मुरझा जाए, ऐसी संतान जिसकी दहाड़ के आगे सहस्त्र सिंहों की दहाड़ भी शून्य लगे, ऐसी संतान जिसके आगे सहस्त्र गजों का बल भी व्यर्थ हो जाए, ऐसी संतान जो जंगली अज के समान हठी हो जिसके उसके पद से कोई भटका ना सके। हाँ गुरुदेव, यही तो मेरी भी कल्पना है। क्या करना होगा मुझे? महान ऋषि जिन्होंने तप से अपार तपो शक्ति अर्जित की हो वही तुम्हें ऐसी संतान दे सकते हैं। कौन है ये ऋषि? महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप। ऋषि कश्यप? किंतु पिताश्री, ऋषि कश्यप को उस आसुरी कन्या ने अपनी सहायता के लिए मनाया कैसे? उस ऋषि को मनाया नहीं, अभी तो उनके साथ भी मायावी छल किया। जब वो वन में विचरण कर ध्यान का स्थान ढूंढ रहे थे, सुरसई को उनकी उपस्थिति का आभास हो गया और उस मायावी ने एक मायावी छलावे का निर्माण किया।
ये सुरासाई के लिए उचित अवसर था जब उसने अपनी माया से ऋषिवर को अपने मायावी आश्रम की ओर आकर्षित किया। वन में ओम के उच्चारण का स्वर कहां से आ रहा है? अद्भुत, दिव्य, अति सुंदर। मेरे ध्यान के लिए यह स्थान सर्वथा उचित है। ऋषिवर, स्वागत है। आपके आगमन से मेरी सभी प्रार्थनाएं आज पूर्ण हो गईं। आप जैसे महान दिव्य महर्षि की सेवा करने की इच्छा आज पूर्ण हो गई। देवी, आपके आश्रम की स्वच्छता एवं शांति देखकर हम अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। इस तपस्विनी के पास इस आश्रम की देखरेख के सिवाय और कार्य ही क्या है प्रभु? मेरी तो एक ही इच्छा थी ऋषिवर, कि किसी दिन दिव्य ऋषि मेरे इस आश्रम का लाभ उठाएं। अब आप कृपा कर मेरे इस आश्रम को अपना लीजिए गुरुदेव। आइए गुरुदेव, स्थान ग्रहण करें। अपने ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे ऋषि कश्यप ने अविलंब मायाविनी सुरासाई के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। इधर ऋषि कश्यप उसके माया जाल में उलझे और उधर सुरासाई उनके साथ छल करना आरंभ कर दिया। उस आसुरी राजकुमारी ने ऋषिवर की सेवा के लिए उस कीट का प्रयोग किया और स्वयं ऋषिवर की सेवा से मुक्त हो गई। और फिर एक दिन ऋषिवर के नेत्र खुले। देवी, लंबे समय तक मैं ध्यान में रहा। आपने निस्वार्थ भाव एवं निष्ठा के साथ मेरी सेवा की है। आपकी सेवा से प्रसन्न होकर मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। कहिए देवी, क्या इच्छा है आपकी? आपके तप की सफलता और प्रसन्नता ही मेरा सुख है। मेरी और कोई अन्य कामना नहीं है। सेवा का फल ना मिले तो वो अनुचित होगा। आप मुझसे अवश्य कुछ मांगिए, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। आपकी जो भी इच्छा हो वो निसंकोच कहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं आपकी इच्छा को कैसे डाल सकती हूँ ऋषिवर? तो यदि आप मुझ पर कोई कृपा करने के इच्छुक हैं ऋषिवर, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। मेरी संतानों के पिता बना। उचित है देवी, मैंने आपको वचन दिया है, जैसे आपकी इच्छा वैसा ही होगा। महर्षि कश्यप को अपने माया जाल में उलझाने वाली ये तो महामायाविनी थी। हाँ पुत्र, असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे आसुरी माया में ऐसा प्रवीण बना दिया था और फिर उसके तुरंत बाद ऋषि कश्यप ने उसे विवाह कर उसकी प्रथम इच्छा पूर्ण कर दी। और जब उसकी दूसरी इच्छा पूर्ण करने का समय आया तो सुरासाई ने एक और वचन ले लिया। हमारे पुत्र असाधारण होने चाहिए, इसीलिए वचन दीजिए स्वामी, हमारे दिव्य मिलन के समय
आप मेरे रूप अनुसार रूप धारण करेंगे। विचित्र बात है, इसकी क्या आवश्यकता है, किंतु जो मेरे प्रति समर्पित रही है उसकी इच्छा पूर्ण करने का वचन मैं दे चुका हूँ। उचित है देवी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसी संतान के लिए तैयार हो जिसके स्वरूप के आगे सभी पद मुरझा जाए। पद्मों के समान तेजोमयी है मेरा पुत्र, मैं इसका नाम सुरा पद्मन रखना चाहती हूँ। पद्मन रखना चाहती हूँ। ऐसी संतान जिसकी दहाड़ के आगे सहस्त्र सिंहों की दहाड़ भी शून्य लगे। अब इसने सिंहनी का रूप क्यों धारण किया? मेरे पुत्र, सिंह का मुख है तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा सिंहमुखन और ये तुम्हारी सेना होगी। मेरा संशय बढ़ता जा रहा है, ये इतने असाधारण पुत्र और उनकी सेनाओं को क्यों उत्पन्न कर रही है? ऐसी संतान जिसके आगे सहस्त्र गजों का बल भी व्यर्थ हो जाए। उचित समय आने पर इसका सत्य उजागर अवश्य हो जाएगा। गज शीश धारी गज मुखन हो तुम पुत्र और ये तुम्हारी गज सेना। ऐसी संतान जो जंगली अज के समान हठी हो जिसके उसके पद से कोई भटका ना सके। एक ऋषि होने के नाते मुझे अपने वचन का मान रखना ही होगा, परिस्थिति चाहे जो भी हो, उचित समय आने पर इसका सत्य उजागर अवश्य हो जाएगा। पुत्री अजमुखी, सिंहमुखन, गजमुखन, सुरा पद्मन, अजमुखी।
कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहती है ये? प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्रों, सदा विजयी भव, सदा विजयी भव। अब मेरे महाबली पुत्र हैं, सेनाएं हैं, शीघ्र मैं देवताओं से प्रतिशोध लेने में सफल होंगी। ऋषि कश्यप जैसे धर्मात्मा की संतान होकर भी वो सभी अधर्म के मार्ग पर क्यों चलने लगे पिताश्री? ऋषि कश्यप ने तो प्रयत्न किया था कि उनकी संतानें धर्म के मार्ग पर चले, परंतु उसकी माता के मन में इतना विष था कि वो भी इससे अछूते नहीं रह पाए। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु वो हमें अपने लक्ष्य तक सफलतापूर्वक ले जाता है। हम धर्म का साथ छोड़ देते हैं, उसी दिन हम अपने सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त कर अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं। इसीलिए हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए। व्यर्थ है ये सब। मेरी संतानों को धर्म नहीं, माया का ज्ञान चाहिए। माया ही इन्हें सफल बनाएगी, अनेक ब्रह्मांडों पर विजय दिलवाएगी। तुम एक आसुरी, तुमने छल किया है मेरे साथ। तो ये सब इसकी माया थी। ये तो असुरेंद्र की पुत्री है, जिसे मात्र प्रतिशोध चाहिए। मैं असुरेंद्र पुत्री ये प्रण लेती हूँ, 108 वर्षों तक दंडित करूंगी मैं। जिसके मन में मात्र प्रतिशोध की भावना है। तुमने मुझे छला अवश्य है, किंतु ये मेरी भी संतानें हैं, इन पर मेरा भी अधिकार है। अच्छाई और बुराई के भेद को ये भी समझते हैं। अब निर्णय इनको करना है कि इनको अपने जीवन में किसका चुनाव करना है, सत्य या धर्म के पथ का या माया के ज्ञान का। चुनाव स्पष्ट है, अब बस मुझे इन्हें इनके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाना है। और यदि ये तुम्हारे बताए मार्ग पर चलेंगे तो इनका एकमात्र परिणाम होगा भयंकर सर्वनाश। अवश्य, दुष्ट देवताओं का सर्वनाश। अपनी संतान के मन में उसी प्रतिशोध के बीज का रोपण करने के लिए उनकी मां ने अपनी संतानों को वो स्थान और उनके नाना की मृत्यु के दृश्य दिखाए। मैं असुरेंद्र पुत्री
सुरासई ये प्रण लेती हूँ 108 वर्षों तक दंडित करूंगी मैं। 108 ब्रह्मांडों को रिक्त कर दूंगी तुम देवताओं से। करेंगे किंतु इसके पूर्व इन्हें एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है जो इन्हें महादेव के वरदान से प्राप्त होगा। उसकी संतानों ने मेरा तप आरंभ करने में तनिक भी विलंब नहीं किया। कदाचित प्रभु महादेव विशेष आहुति से ही प्रसन्न होंगे। ये भी पर्याप्त नहीं है प्रभु। कोई बात नहीं, मैं इससे भी बड़ी आहुति के लिए तैयार हूं। हमारे अग्रज के समान हम भी आहुति देंगे। कहो क्या चाहते हो तुम? आप हमें अमृतत्व तो प्रदान नहीं कर सकते हैं महादेव, किंतु हमें ऐसी असीम शक्ति दे कि हमें कोई भी अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सके। मात्र आपका पुत्र जिसका जन्म केवल आपके ही अंश से हुआ हो और उसमें उसकी माता का कोई भी भूमिका ना हो वही हमें पराजित कर सके। और प्रभु हमें वरदान दे किस देवलोक के साथ समस्त 8 ब्रह्मांड हमारे अधीन हो और इस ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से चलने वाले रथ का स्वामी मैं बन। मेरा शरीर इतना अभेद और शक्तिशाली हो कि अगर उसके 2 भाग भी हो जाए तो वो स्वतः संपूर्ण बन जाए। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अर्थात भैया कार्तिकेय ही सुरा पद्म का वध कर सकते हैं? हाँ पुत्र। पिताश्री आपकी कथा के अनुसार सुरा पद्म का वध मात्र भैया कार्तिकेय के द्वारा ही हो सकता है। हाँ पुत्र। राज जब मेरे दक्षिण मूर्ति रूप ने अपने पल के छपी तो ये संकेत था अधर्म के उस अंधकार का जो सूरपन ने 108 ब्रह्मांडों में फैलाया है। अब उन्हें अपार शक्ति प्राप्त हो चुकी है जिससे वो संपूर्ण सृष्टि को आतंकित कर रहे हैं। अर्थात पिताश्री आपकी पलकें झपकने से जो अंधकार छाया था और जिसे हम किसी अनहोनी का संकेत समझ रहे थे वो क्षण वस्तुतः जयंत के हरण का ही क्षण था। हाँ पुत्र। देवताओं को ये ज्ञात नहीं जयंत के हरण से पूर्व ही देवशिल्पी विश्वकर्मा और यमराज का उनकी पुत्रियों के साथ हरण कर वो अपनी माता का दिया कार्य आरंभ कर चुके थे।
ना ना ना, ये ना होना चाहिए, ना होगा। मेरे दोषी मेरे सामने अपना शीश उठा कर रहे, ये कैसे स्वीकार करूंगा? दोषी, हमने तुम्हारे प्रति क्या दोष किया? दोष सुनना चाहते हो ना अपना, तो सुनो, मेरे मुख से सुनो। मेरे आज्ञाकारी पुत्रों, देखो इस स्थान को, तुम्हें अपना दोष स्वयं ही स्मरण हो जाएगा। मेरे पिता का वध करने के पूर्व क्या कहा था तुम सबने? प्राण पखेरु का उड़ना तो अब निश्चित ही है। हमारा समय आ गया, तैयार हो जाओ असुर सम्राट, मृत्यु के पाश में पड़ने के लिए। मृत्यु पाश न यमराज, उसमें तो तुम सब देवता बंधोगे। नहीं पुत्र, इतनी सरल मृत्यु नहीं। इतनी सरल मृत्यु तो अपनों को दी जाती है, शत्रुओं को नहीं। शत्रु को कष्ट देना सीखो पुत्र, एक ही बार के अंत से उसे कहां कष्ट होगा। विश्वकर्मा की पुत्री पद्म कोमल, तुम उससे विवाह करो सुरा पद्मन, और सिंहमुखन तुम यम की पुत्री विभुदाई से, किंतु इनके पिताओं को कारागार में रखकर ही प्रताड़ित करो। और तुम्हारे ससुर तो देव शिल्पी है ना सुरा पद्मन, उनका लाभ उठाओ, कारागार और तुम्हारी नगरी का निर्माण उनसे ही करवाओ, अधीन है वो तुम्हारे। और मेरा पुत्र गजमुखन, वो क्यों रहे विवाह से वंचित? उसके लिए देवराज की पुत्री ही उपयुक्त है, ले आओ उसे भी। अर्थात मेरा पुत्र सुरा पद्म का बंदी है, और मेरी पुत्री देवसेना पर भी संकट छाया है। जयंत ही नहीं, अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव भी उसके बंदी हैं। जयंत, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव भी इस दुष्ट असुर के बंदी हैं। स्वागत है मेरे नवीन सेवको। हाँ,
पुत्र कार्तिकेय को इन दुष्टों से अकेले ही युद्ध करना होगा। मैं अकेला कहाँ हूँ माँ, आप दोनों का आशीर्वाद है ना मेरे साथ। किंतु उसका अंत ऐसे नहीं होगा पुत्र, उसे उसके संपूर्ण वंश के साथ नष्ट करना होगा तुम्हें। इस युद्ध की तैयारी तुम्हें एक विशेष यात्रा से करनी होगी पुत्र, जिसका आरंभ मेरे ज्योतिर्लिंग केदारनाथ और उसके बाद अपनी माता की शक्तिपीठ मणिकर्णिका से होगा। एक ऐसी यात्रा जिससे तुम पंचभूतों को समझकर स्वयं की शक्ति को पहचान सको, तभी तुम्हें वास्तविक शक्ति और पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा जिससे तुम इस युद्ध में सफलता प्राप्त कर सकोगे। उनका वध मात्र पाशुपतास्त्र से ही संभव है पुत्र। आप केवल आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र, इस यात्रा में मेरा आशीष प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। चलिए मयूर जी। रुकिए भैया, मैं भी तैयार हूँ, चलिए। नहीं गणेश, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। किंतु क्यों भैया, मैं आपको इस संकट का सामना अकेले नहीं करने देना चाहता। यदि ऐसा है तो फिर अकेले ही सारी बात तुम स्वयं तक ही क्यों रखना चाहते हो गणेश, मुझे बताते क्यों नहीं? ओह, तो भैया चाहते हैं कि मैं विवाह से जुड़ा भेद अभी उन्हें बता दूं, जिससे वो तुरंत विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। जो सत्य है उसे बताने में इतना संकोच क्यों गणेश? मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ गणेश, शीघ्र कहो, वहाँ इंद्रपुत्र जयंत संकट में। वो भैया आप क्या करेंगे चतुर गणेश जी? वो वास्तव में वो मैं विवाह विवाद नहीं कर सकता अभी, विवाद का समय नहीं है। मुझे साथ ले चलिए भैया। ठीक है, अर्थात तुम्हारे मन में जो है उसे तुम अभी भी गुप्त रखना चाहते हो। ठीक है, कोई बात नहीं अनुज, मैं इस विचार से अभी अपने ध्यान को भटकने नहीं दे सकता, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। चलिए मैं उजी। आपका अनुज आपकी आज्ञा का पालन करेगा भैया, आपके साथ नहीं चलूंगा, किंतु हाँ, आपके पीछे पीछे अवश्य आऊंगा और युद्ध के अंत तक माँ के द्वारा बताए विवाह के महत्व को भी आपको अवश्य समझा दूंगा और विवाह के लिए आपकी सहमति भी ले लूंगा। ये मेरा निश्चय ही नहीं, दृढ़ निश्चय है। गणेश के मन में विचारों के जो मेघ उमड़ रहे हैं अभी उनकी नहीं, अभी तो मेरी इस यात्रा में दुष्ट असुरों पर जो मेरे अस्त्रों की वर्षा होगी उसके लिए मुझे स्वयं को तैयार करना है। कुमार कार्तिकेय,
देव सेनापति, संपूर्ण देव सेना आपके साथ इस यात्रा पर चलने के लिए प्रस्तुत है। देवराज, अब अपनी चिंता त्याग दीजिए, चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि अब किसी भी क्षण आपका पुत्र जयंत अन्य देवताओं के साथ आप सभी के साथ होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, मुझे आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है, किंतु ज्ञात नहीं वो दुष्ट उन्हें कैसे कैसे कष्ट देकर प्रताड़ित कर रहा होगा, कैसे कैसे हत्याचार उन्हें सहने पड़ रहे होंगे। वायु के देवता, अब स्वर्ग में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, अब केवल महेंद्रगिरी के सेवक हो तुम, एक तुच्छ सेवक, जिसे भैया सुरा पद्मन के आदेश का पालन करना होगा। सभी मार्ग, सभी स्थान, महेंद्रपुरी नगरी का एक एक कोना तुम्हारे स्वर्ग से भी अधिक स्वच्छ होना चाहिए। अब ये कार्य तुम्हारा है सेवक वायुदेव। जहाँ देखूं वो स्थान मेरे सुंदर मुख के लिए दर्पण के समान होना चाहिए, समझे? अन्यथा चलो अब अपना कार्य करो। विवशता व्यक्ति से क्या नहीं करवाती, इच्छा हो अन्यथा ना हो। तो सेवक वरुण देव, अब सदा अपना कर्तव्य स्मरण रखना तुम। अनावश्यक जल का बहाव ना हो, कोई भी पात्र और फुहार जल से रिक्त ना हो, और हाँ, मेरे नगर के सभी मार्ग धोने का कार्य भी अब तुम्हारा है सेवक वरुण देव। न कार्य में विलंब हो, न कार्य रुकना चाहिए, अन्यथा विवश हो मुझे पुनः स्मरण कराना पड़ेगा। क्यों, स्मरण नहीं है तो भी करा देता हूं। अपने अग्नि के ताप को अपने तक ही सीमित रखना, किसी को भी किसी प्रकार की हानि ना हो। यहाँ पे कोई भी अग्नि की भेंट चढ़नी नहीं चाहिए, ना तन, ना वस्त्र, ना भोजन। स्मरण रखना अग्निदेव। तो चलो उठो, पकाना आरंभ करो। ध्यान रहे, एक भी दाना जलाना तो कठोर दंड के भागी बनोगे। Oh
उत्तम, अति उत्तम। सेवक जयंत, महाराज और तुम छोटे सेवक, तुम सदैव हमारी सेवा के लिए तत्पर रहोगे। सबकी सेवा और गुणगान दोनों साथ साथ होना चाहिए, ध्यान रखना। क्षमा महाराज, क्षमा। असुरों के परम उद्धारक, एक सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों के विजेता, शत्रुओं को त्रस्त करने वाले हे महान असुर सम्राट सूरा पद्मन, अपने इस तुच्छ सेवक की सेवा स्वीकार कीजिए। ना 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 ना, तनिक भी आनंद नहीं आया मुझे। मेरा गुणगान अभी भी अधूरा है। दुर्बल इंद्र के पुत्र को सेवक बनाने वाले का गुणगान किया तुमने। बोलो, शीघ्र बोलो, अपना संपूर्ण गुणगान सुनना है हमें। पिताश्री के पुत्र को अपना सेवक बनाने वाले। पिताश्री नहीं, दुर्बल इंद्र को। अब तुम किसी के पुत्र नहीं, मात्र और मात्र हमारे सेवक हो। सुना नहीं तुमने? असुर, असुरों के परम उद्धारक, एक सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों के विजेता, असहाय देवताओं को पराजित करने वाले, दुर्बल इंद्र के पुत्र को अपना सेवक बनाने वाले, हे महानतम असुर सम्राट, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। इंद्र का पुत्र मेरा सेवक। आनंद ही आनंद, सर्वत्र आनंद। महाराज, 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 प्रणाम महाराज, महाराज, वो देवराज इंद्र यहाँ बढ़ा आ रहा है। अकेला आने दो, मुझे और एक सेवक मिल जाएगा, क्योंकि अपने पुत्र की रक्षा करना तो रात्रि में सूर्योदय के समान है उसके लिए। क्षमा करें महाराज, अकेले नहीं, संपूर्ण सेना के साथ आ रहा है वो, और उस सेना का नेतृत्व को युवा योद्धा कर रहा है। तुच्छ सेवक, क्यों मूर्खता कर रहा है? क्यों मुस्कुरा के मेरे दंड का भागी बनना चाहता है तू? महाराज, आप तो बस आनंद कीजिए। तुच्छ देवताओं की तुच्छ सेना के लिए तो हमारे सेनापति और हमारी सेना ही पर्याप्त होगी। क्या हुआ इंद्रदेव? सरपति कुमार कार्तिकेय, वो दुष्ट सुरापद्म बहुत ही तुष्ट है। कल से हमारे और हमारी सेना के आगमन की सूचना प्राप्त हो गई, तो कहीं वो मेरे पुत्र जयंत और
हमें सभी देवताओं को और कष्ट न देने लग जा। उचित कह रहे हैं आप इंद्रदेव। उस दुष्ट को हमारे आने की सूचना तो मिल ही गई होगी। और वो हमें रोकने के लिए किसे भेजेगा ये हमें ज्ञात नहीं। प्रणाम देवऋषि। नारायण नारायण। जहां तक मैं उस दुष्ट को समझता हूँ गजमुख को ही कार्य देगा, वो उसे ही भेजेगा, अन्य किसी को नहीं। गजमुख। हाँ हाँ गजमुख, महान सेना नायक जिसे देख युद्ध भूल कर पैसे कांप उठेगी। ये देव सेना स्वयं नारायण को पराजित करने वाला गजमुख। गजमुख जहां तक मैं उस दुष्ट को समझता हूं गजमुख को ही ये कार्य देगा, उसे ही भेजेगा, अन्य किसी को नहीं। गजमुख। हाँ हाँ गजमुख, महान सेना नायक जिसे देख युद्ध भूल कर भय से कांप उठेगी ये देव सेना स्वयं नारायण को पराजित करने वाला वो गजमुख जिसने स्वयं नारायण को परास्त किया था। हाँ देवराज, जिसके सामने स्वयं नारायण भी अपने अस्त्र झुकाने पे विवश हो गए थे। ना 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 ना, पराजय हो ही नहीं सकती हमारी। फिर तुम क्रोध दिखा लो या अपने सुदर्शन चक्र का ही उपयोग कर लो, सब व्यर्थ होगा। ये कौन असुर है जिसने मेरे सुदर्शन को रोका ही नहीं, इतनी सहजता से थाम भी लिया। नहीं नारायण, ये चक्र मुझसे नहीं छुड़ा सकोगे तुम। कौन है ये असाधारण असुर जिनके हाथ से सुदर्शन स्वयं को मुक्त नहीं करवा पा रहा। ऐसी असीम शक्ति दे कि हमें कोई भी अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सके। मात्र आपका पुत्र जिसका जन्म केवल आपके ही अंश से हुआ हो और उसमें उसकी माता का कोई भी भूमिका ना हो, वही हमें पराजित कर सके। अर्थात ये वही जिनका अंत महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों नियत। बस नारायण, नहीं थाम सके ना, छोड़ने पर विवश हो ही गए। गजमुखन हूं मैं, कोई साधारण असुर नहीं। सुदर्शन से भी बड़ा यदि कोई अस्त्र है तुम्हारे पास तो उसका भी प्रयोग कर लो, सबके सब विफल हो जाएंगे मेरे समक्ष। प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण होता है गजमुखन, जाओ इस युद्ध में तुम विजयी हुए। तुम्हें महादेव का वरदान प्राप्त और उसका सम्मान रखने हेतु मैं तुम पर और वार नहीं करूंगा। क्षीर सागर में बसे इस वैकुंठ में तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, और वैसे भी मेरा सुदर्शन चक्र तो तुम प्राप्त कर ही चुके हो। अब मैं तुम्हारे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम क्या
कोई भी नहीं कर सकता मेरे कार्य में हस्तक्षेप। महादेव से वरदान में प्राप्त अस्त्रों का भंडार है गजमुखन के पास, और अब तो सुदर्शन भी मेरे अधीन है। ऐसे शक्तिशाली योद्धा से भला युद्ध करने का साहस कौन करेगा? दम शक्ति का यह अहंकार अभिमान का कभी लाभ नहीं देता, सदैव हानि ही देता है। और अधर्म के लिए प्रयोग की गई शक्ति तो सदैव हानि ही देती है। अवश्य ही कोई महादेव के समान शक्तिशाली आएगा जो तुम्हारे दम के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करेगा। ऐसी गीदड़ भभकियों से हमें भयभीत नहीं कर सकते तुम। ऐसा कोई नहीं है, यदि है तो उसका परिचय दो, बताओ कौन है वो। तुम तीनों का अंत, तुम तीनों का अंत। हम तीनों का अंत असंभव है। नारायण के मुख से निकलने वाले शब्दों को गंभीरता से लेना चाहिए हमें। अवश्य ही कोई महादेव के समान शक्तिशाली आएगा जो तुम्हारे दम के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करेगा। तुम तीनों का अंत। यदि ये शिव के समान शक्तिशाली वही है जिसके बारे में नारायण ने कहा था, तो मुझे कोई असावधानी नहीं करनी चाहिए। अतः गजमुखन को भेजना ही उचित होगा। किंतु हम उसका सामना करेंगे कैसे? इस प्रकार तो वो असुरों की राजधानी महेंद्रपुरी तक और मेरे पुत्र तक कदापि नहीं पहुंचने देगा। इंद्रदेव, देवराज हैं आप, और देवराज के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अपने विरोधी का सामना करने से पूर्व ही आप कोई निर्णय भला कैसे ले सकते हैं? कोई भी ये निर्णय कैसे ले सकता है? वैसे भी अब चाहे वो गजमुख आए या उससे भी बड़ा कोई अन्य योद्धा, युद्ध तो हम अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ ही करेंगे, और मैं किसी का भी सामना करने के लिए तैयार हूं। देवगण, आप सब बस आगे बढ़िए। महाराज का आदेश है कि आपको युद्ध के लिए अभी प्रस्थान करना होगा। देखा, मैं तुम पर अपना समय व्यर्थ कर रहा था, अब इस आदेश का पालन करने में मुझे बहुत आनंद आएगा। कदाचित इंद्र अपनी ढाल बनाकर किसी को ला रहा है, लेकिन उससे उलझने से पहले मैं ये तो जांच लूं कि वो बालक और उसकी टोली मुझसे युद्ध करने के योग्य है भी कि नहीं। मुझे ऐसा आभास क्यों हुआ जैसे मेरे सैनिकों पर कोई विपत्ति आई हो? क्या हुआ देव सेनापति? अवश्य कोई था वहां। यह हमारे देव सैनिकों की संख्या कैसे कम हो गई? हमारे शेष सैनिक वो सब कहां चले गए? ये क्या था? कौन था यह जो हमारे सैनिकों को निगल गया? We'll be right back.
अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए। रक्षा कीजिए देव सेनापति, रक्षा कीजिए हमारी। हम सुरक्षित हैं। इस दुष्ट के बंधन से मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देव सेनापति। क्या था ये? किस असुर का शीश है ये? प्रभु, ये किस असुर का शीश था? प्रणाम गणेश जी। प्रणाम देवर्षि। गणेश जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ, जो कि मैं देव सेनापति कार्तिकेय को नहीं कर पाया। क्रोंच पर्वत, यहीं से आरंभ होता है क्रोंच पर्वत की श्रृंखला का, इसीलिए आपको अत्यंत सतर्क रहना होगा गणेश जी। क्रोंच? हाँ प्रथम पूज्य, क्रोंच पर्वत था नहीं, असुर था वो, दुष्ट असुर, जिसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर ऋषि मुनियों को आतंकित किया था, और ऐसे ही एक समय में उसका सामना हुआ ऋषि अगस्त्य से। ऋषि अगस्त्य उस दुष्ट पर भारी पड़े, इतने भारी कि अगस्त्य ऋषि मुनि के श्राप से वो क्रोच पर्वत बन गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस प्रकार अनेकों ऋषियों को अपना भोजन बनाकर तुमने उनका अंत किया और पाषाण हृदय से उनका उपहास किया, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी पाषाण का हो जाए। और उस असुर दुष्ट क्रोंच के जितने भी सहयोगी थे वो इस पर्वत की श्रृंखला बन गए। किंतु जब गजमुख को इस क्रोंच पर्वत का परिचय प्राप्त हुआ तो उन्होंने इसे मायावी शक्ति प्रदान कर दी। इतनी दिया कि जो भी इस क्षेत्र में आएगा उसे निगल जाएगा ये पर्वत, और एक बार जो इस पर्वत के भीतर गया उसका पुनः बाहर आना अत्यंत कठिन है, और इसे भीतर से भेदना असंभव, इसे केवल बाहर से ही भेदा जा सकता है। और इस संपूर्ण श्रृंखला में सर्वाधिक भयंकर है और विशाल काय भी ये स्वयं क्रोंच पर्वत। महाराज क्रोंच, यह सत्य है कि देवता अपनी सेना के साथ आ रहे हैं, और यह भी सत्य है कि जो बालक उनका नेतृत्व कर रहा है उसमें अवश्य कोई दिव्य क्षमता है। उसकी सेना को निगल कर हमने बंदी बना लिया था, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, वो वास्तव में दिव्य है। बस लज्जा नहीं आती तुम्हें? तुमने महानतम योद्धा गजमुख के समक्ष असफल कर दिया, जो एक
बालक को पराजित ना कर सके उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। नहीं महाराज, नहीं। मुझे क्षमा करे महाबली गजमुख, मुझे अपनी सेना भेजकर नहीं, मुझे स्वयं जाकर उसका वध करना चाहिए था। आज्ञा दीजिए। नहीं क्रौंच, मैं तो बस उसकी क्षमता परखना चाहता था। अब मैं अपने इन महारथी सेनापतियों के साथ स्वयं जाऊंगा वहां। मुख तो अपनी संपूर्ण असुर सेना के साथ यहीं आ रहा है, किंतु हमारी सेना तो शेष नहीं रही। इस प्रकार हमें असंख्य योद्धाओं का सामना कैसे करेंगे? देवगण, मेरे पिताश्री ने मुझे अटूट विश्वास के साथ यहां भेजा है और मैं उनके विश्वास को कदापि भंग होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं वो सब करूंगा जो मेरे कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। फिर भले ही उसके लिए मुझे सृष्टि के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। मेरा तो क्या, ये तो मेरी सेना और सेनापतियों का सामना भी नहीं कर पाएंगे। ये योद्धा, ओह, गजमुख के गजों की गर्जना मात्र एक छल था। अपनी सेना के स्थान पर इन योद्धाओं को यहां भेजकर उसने ये मान लिया कि हमें इन योद्धाओं के आगमन की अपेक्षा कदापि नहीं रहेगी। तो धर्मानुसार हम इस क्षण उसी का सामना करेंगे जो हमारे समक्ष है। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने नव सिंह अस्त्र का आवाहन किया है, इससे ये नौ योद्धा तो क्या, उनके पीछे के सैनिक भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना युद्ध में आने से, फिर भी तुम चले आए, और मेरे कार्य में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो तुम? तुम हटो गणेश, मुझे अंत करने दो इन दुष्टों का। भैया, ये हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं, विरोधी नहीं शुभ चिंतक हैं, असुर नहीं हमारे भ्राता है। भ्राता? हाँ भैया, ये नौ योद्धा हमारे भ्राता हैं। किंतु ये कैसे संभव है अनुज? संभव है भैया, किंतु मैं समझ गया, मुझे आपको संपूर्ण कथा सुनानी होगी, तभी आपको विश्वास होगा। ये बात उस समय की है जब मुझे लगा कि जब मेरे माता पिता स्वयं नृत्य कला के जन्मदाता हैं, तो मेरे लिए नृत्य करना क्या कठिन होगा।
किंतु ये मेरी भूल थी। उचित है, किंतु इसका क्या करूं? हाँ, ये उचित है। आ, 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 प्रभु गणेश जी, प्रभु गणेश जी, प्रभु आप आहत तो नहीं हुए ना? ये है मुझे क्या आहत करेगी नंदी जी, और वैसे भी किसी महासुर के साथ युद्ध नहीं, मात्र नृत्य कर रहा हूँ मैं। उचित है, ये एक नई मुद्रा है, इसलिए इसके अभ्यास में मैं तनिक संतुलन खो बैठा। नृत्य था ये? आपको देखकर तो मैं इसका अनुमान ही नहीं लगा सकता था प्रभु। आप अनुमान नहीं लगा सकते मूषक जी, वो तो मेरे माता पिता महान नर्तक हैं, इसलिए मुझे भी नृत्य कला में बहुत रुचि है। इसलिए नृत्य कला क्या होती है मुझे ज्ञात है। देखिए, अभी आपको एक अन्य मुद्रा दिखाता हूँ। इस बार तो मैं भी अपना संतुलन खो रहा हूँ। प्रभु, अरे देखा देखा, कितनी अद्भुत नृत्य मुद्रा थी ना ये। अवश्य प्रभु। प्रभु, ऐसे नृत्य मुद्राओं से तो आप हमारी रक्षा कीजिए। किंतु मूषक जी, आप वहाँ कैसे पहुँच गए, और नंदी जी आप भी? प्रभु, ये तो आप भी जानते हैं ना कि ये आवश्यक नहीं है कि माता पिता के सभी कौशल उनकी संतान को विरासत में मिले। कदाचित प्रभु, आपको नृत्य सीखने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं प्रभु महादेव। माता पार्वती? नहीं मूषक जी, महादेव। प्रभु महादेव अद्भुत हैं, किंतु माता, उनकी नृत्य कला तो अतुल्य है, आप उन्हीं से क्यों नहीं सीखते प्रभु? नहीं नहीं मूषक जी, प्रभु माता श्रेष्ठ अवश्य है, किंतु महादेव, उनका नृत्य पूर्ण रूप से दोष रहित है। नंदी जी, आप उचित कहते हैं, किंतु माता के बिना शिव भी शव हो जाते हैं। मेरे स्वामी गणेश जी को उन्हीं से सीखना चाहिए। नहीं मूषक जी, नहीं नहीं, माता पार्वती महादेव भी सर्वश्रेष्ठ है। नहीं नंदी जी, आप मेरी, अरे आप मेरी बात मानिए ना मूषक जी, महादेव भी सर्वश्रेष्ठ है। नहीं नहीं नंदी जी, माता पार्वती, अरे नहीं मूषक जी, महादेव भी सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है माता पार्वती, श्रेष्ठ है माता पार्वती, अरे महादेव भी श्रेष्ठ है। हाँ बस, बहुत हुआ, मुझे ज्ञात है कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठतम। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। अच्छा पुत्र, मैं भी तो सुनूं, तुम्हारे अनुसार कौन सर्वश्रेष्ठ है? लो, मैंने तो मात्र विवाद से बचने के लिए ये कहा था, परंतु ऐसा लगता है कि एक बड़े नृत्य प्रतियोगिता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बल और बुद्धि का उचित सामंजस्य ही विजय का मार्ग प्रशस्त करता है।